भागलपुर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी मंदिरों और पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जिले में अलग अलग जगहों पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। कहीं बेलूर मठ तो कहीं तिरुपति के बालाजी मंदिर की झलक तो कहीं आदि योगी महाकाल का योग मुद्रा के रूप में पंडाल बनाया जा रहा है। इन सब के बीच स्मार्ट सिटी भागलपुर में थीम बेस्ड पूजा पंडाल बनाने का चलन बढ़ा है। इसी कड़ी में बरारी हाउसिंग बोर्ड में दुर्गा पूजा को लेकर बनाया गया आदि योगी के स्वरूप जैसा पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है, जिसे देखने के लिए लोग काफी दूर दराज से बरारी हाउसिंग बोर्ड आ रहे हैं। बता दें कि बरारी स्थित बरारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आदि योगी पंडाल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। वैष्णवी दरबार पूजा समिति के सदस्य ने बताया कि इस बार जो पंडाल बनाया गया है वह जूट की बोरी, कपड़ा और बरगद के पेड़ के जड़ों का उपयोग करके बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे बनाने में बाहर का कोई कारीगर नहीं आया है, बल्कि बरारी के कारीगरों ने ही बनाया है। इधर मातृ पूजा और शक्ति आराधना के महापर्व नवरात्रि के छठे दिन जगत जननी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की उपासना का विधान है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा की षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों और साधकों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही शारीरिक मानसिक कष्ट दूर भी होते हैं। वहीं आज माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप देवी कात्यायनी की पूरे विधि विधान और धूमधाम से पूजा हो रही है। भागलपुर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, नरसिंह ठाकुर बाड़ी स्थित माँ दुर्गा मंदिर, मोहनपुर स्थित माँ दुर्गा मंदिर, दिग्घी स्थित माँ दुर्गा मंदिर में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये पहली बार भागलपुर के इतिहास में इस तरह का पंडाल बनाया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें बोरा, चट्टी, पुराने साड़ी, धोती, वाल, कुट्टी और उसके ऊपर पीओपी और उसके ऊपर फिर एशियन पेंट से ये तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खूबसूरत सा पंडाल आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए लोग दूर दूर से कलाकार को मंगवाते हैं। ज्यादातर कलकत्ता से कलाकार आते हैं, लेकिन हमारी पूजा समिति लोकल फॉर वोकल उसमें विश्वास करती है। हमने एक लोकल कारीगर को अपने यहाँ आमंत्रित किया और वो भी लोकल कारीगर कहीं दूर के नहीं है, हमारे जस्ट बरारी के हैं, अनिल आर्ट, जो कि विश्व विख्यात कलाकार है। इनके नाम 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये बहुत सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में जो श्री राम का 16 लाख दिए से पोर्ट्रेट बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। इससे पहले भी भागलपुर में इन्होंने 6 लाख दिए से श्री राम की बड़ी पोर्ट्रेट तैयार की थी। इसके लिए अब इनके सारे नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये कलाकार हमारे बरारी के हैं, अभी वे विख्यात नहीं हुए हैं और इनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है। तो हम लोगों ने इनको मौका दिया और ये इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि ये अब विश्व विख्यात हो गए। तो जिस जो सामने में पंडाल देख रहे हैं आप, ये पहली बार भागलपुर में बना है, आदि योगी शिव के योग मुद्रा रूप में है। ये शिव के योग मुद्रा रूप में है, जो कि मद्रास कोयम्बटूर में सबसे पहली बार बनाया गया था और ये ईशा फाउंडेशन द्वारा श्री जग्गी महाराज सदगुरु के द्वारा बनवाया गया है। और ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे जगह पे है, लेकिन पहली बार ये मद्रास में बनाया गया था। इसके बाद बेंगलोर में और भी आगे इनका बहुत सारा प्लानिंग है, तो हम लोग उसी को मूर्त रूप देने का कोशिश किए। और ये हमारे बरारी के कलाकार जो है अनिल, इसको अक्षरशः लगभग मॉडल को लगभग वो उतारने में कामयाब रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? हम बाकी पूजा समितियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो बाहर से कलाकार को मंगवाते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, तो प्रतिभा की कमी हमारे शहर में भी नहीं है। आप वैसे कारीगरों, वैसे कलाकारों को खोजिए। इस प्रतिभावान कलाकार को हमें ऊपर उठाने की जरूरत है। आज ये विश्व विख्यात कलाकार है, लेकिन लोग इनकी पहचान नहीं जान रहे हैं, तो हमें इनकी पहचान को पूरे विश्व के पटल पे लाना। आज का मुख में आज अश्विनी मास के पावन अवसर पर मैया का छठा दिन का आज माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाता है।
और इसको माँ कहते हैं कि विशेष रूप से आज के दिन जो पूजा पाठ जो करता है उसको हर सुख शांति से लेकर धन धान से लेकर और हर रोग से उसको मुक्ति मिल जाता है। और कि जैसा कि बताया जाता है माँ कात्यायनी को जयाफल जो होता है जिसको आप जयाफल के नाम से जाना जाता है वो माँ को विशेष रूप से बहुत ही पसंद होता है, इसको चढ़ाने से माँ विशेष कृपा करती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शहर के स्टेशन चौक के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष कुमार शाह और प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। सुबह के कई चैनलों ने जो देखा था तो कई हमारे नेता मुंगेरी लाल के हंसी सपना था, लेकिन हम लोगों को विश्वास था कि नरेंद्र भाई मोदी का जो काम है और भारत को विश्व गुरु बनाना है इसके संदर्भ में पूरे भारतवासी उनके साथ यात्रा में शामिल हैं। और प्रधानमंत्री की हैट्रिक और हरियाणा की हैट्रिक, ये दोनों हैट्रिक, अब कोई भी चुनाव आएगा तो हैट्रिक पे हैट्रिक, दूसरा कोई टक्कर में नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को पूरे देश के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर कहाँ चुक रही है, तो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, हम तो सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, आज भी बड़ी पार्टी है और आने वाला समय देखिए। वहाँ जम्मू कश्मीर में एक ज़माना था जो लोग कहते थे कि मेरा नहीं है, आज तो पूछ तो रहे हैं कम से कम कि आपके कितने मेंबर हैं। भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के कक्ष में आज बैठक हुई। बैठक में शहर के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही निर्णय लिया गया कि जो कचरा पॉइंट आरबीएसएस रोड में बनाया गया है उसको वहां से हटा दिया जाए। सुनिए बैठक को लेकर भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने क्या कुछ कहा। ये बैठक जो आरबीएसएस रोड है उसमें कचरा डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से कचरा का उठाव प्रॉपर हो नहीं पाता है और वहाँ उस रास्ते से चलने वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, तो उसी के मद्देनज़र आज बैठक किए थे कि डंपिंग पॉइंट को ही हटाया जाए और जो डंपिंग पॉइंट है उसको अच्छे से सुसज्जित करके पेड़ वेड़ लगा करके और वेस्ट टू वंडर जो है वो लगा करके और डंपिंग पॉइंट हटा के जो हम लोग डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जितना भी उस रोड में होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, विवाह भवन है, छोटे छोटे दुकान हैं, सबके यहाँ से कचरा कलेक्ट होगा और तय समय पे जा करके वहीं से उठा करके डायरेक्ट कनकैथी ले जाया जाएगा उस कचरे को। इसी के मद्देनज़र आज हमने वार्ड 37 के पार्षद हैं हमारी बबीता जी और वार्ड 32 की पार्षद हैं मीरा रॉय जी, उनको बुलवाया था, जोनल प्रभारी को, वार्ड प्रभारी को, स्वास्थ्य प्रभारी को और सिटी मैनेजर साहब को, इन सब को बुला करके कैसे इस मुहिम को चलाया जाए, कैसे पहला ये मेरा पड़ाव होगा कि हम उसको डस्टबिन फ्री बनाएंगे आरबीएसएस रोड को, तो ये मुहिम कल से स्टार्ट हो जाएगा और 8 दिन के अंदर हम लोगों का प्लानिंग है कि वो रोड जो है डस्टबिन फ्री हो जाएगा और वो निरंतर चलता रहेगा, जो दिखेगा वो सब दिन दिखेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कार्यरत कर्मियों ने आज कार्यालय खुलते ही 3 माह का बकाया वेतन
और फेस्टिवल एडवांस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सभी कर्मी अपना कार्यालय छोड़कर बाहर निकल गए, साथ ही पदाधिकारियों को भी बाहर कर दिया। वहीं आंदोलन कर रहे संजय कुमार और अन्य कर्मियों ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर हर साल फेस्टिवल एडवांस मिलता था, लेकिन इस बार रजिस्ट्रार और एफए ने पेच फंसा दिया, जिस कारण घर परिवार में पर्व त्योहार के मौके पर मायूसी का माहौल है। संजय कुमार ने कहा कि 3 माह से वेतन नहीं मिला है। इधर कर्मचारी संघ के महासचिव सह सीनेटर रंजीत यादव ऑन कैमरा कुछ भी बताने से बचते रहे। हालांकि एक सवाल के जवाब में रंजीत ने कहा कि कर्मियों की मांग जायज है और वेतन एवं फेस्टिवल एडवांस नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एफए दिलीप कुमार और कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र के लाल फीताशाही के कारण अब तक फेस्टिवल एडवांस नहीं मिल पाया है। देखिए सर, दुर्गा पूजा का समय है और विगत 64 वर्षों से हम लोग को फेस्टिवल एडवांस मिल रहा था। इस बार हमारे रजिस्ट्रार साहब, एफए साहब और एफओ साहब, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है कि हम लोगों को फेस्टिवल एडवांस ही अचानक बंद कर दिए। और बताइए कि अब सैलरी 3 महीने से आई नहीं है और हम लोगों को कैसे भरण पोषण होगा। ये कि ये अगर हम लोगों को एडवांस मिलता था तो कम से कम हम लोगों का आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होता था दुर्गा पूजा को लेकर के। आज क्या कर रहे हैं? आज तो हम लोग विश्वविद्यालय बंद करवा रहे हैं। जब तक हम लोगों को एडवांस नहीं मिलेगा तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। कितने दिनों से पेमेंट नहीं मिला? 3 महीना से तो पेमेंट नहीं हुई हम लोगों को सैलरी। प्लस एडवांस के लिए रजिस्ट्रार साहब बोले थे कि 4 तारीख को आप लोग के खाते में चले जाएंगे, मगर आज 8 तारीख हो गया है, अभी तक हम लोग का एडवांस नहीं गया है। जो ये आक्रोश जो कर्मचारी में वो फूट गया है, क्या बंद करवा दिया? एकदम पूर्ण तरीके से बंद हो गया है। क्या प्रशासनिक भवन या और भी नहीं था? केवल प्रशासनिक भवन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार। भागलपुर में बाढ़ से जर्जर हुए NH-80 का श्रम संसाधन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने निरीक्षण किया। वहीं श्रम संसाधन मंत्री ने NH को ऊंचा करने का आदेश दिया, साथ ही बाढ़ में जर्जर हुए सड़कों एवं पुल पुलियों को दुरुस्त करने की बात कही। बता दें कि श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे थे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था पुल, ये पुल ये रोड बन के तैयार नहीं था। आवाजाही में यातायात में कोई तरह किसी तरह की परेशानी नहीं है और हम लोग आए हैं निरीक्षण करने के लिए कि बाढ़ ने जो क्षति किया है इसमें और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। लोगों ने बताया कि 21 में बाढ़ आया था, 19 में भी बाढ़ आया था, फिर 24 में भी बाढ़ आया, तो हर 2 साल पे 1 साल पे बाढ़ की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो एक टाइम वन टाइम ऐसा है इसमें प्रोटेक्शन वाल देके और कुछ टेक्निक इसमें अप्लाई करके ऐसा बने कि एक बार बने तो थोड़ा दिन चले, बाढ़ आए तो उससे प्रभावित नहीं हो, इसी का जायजा हम लोग लेने आए थे। और कई इलाके में पूरे भागलपुर जिला में कई जगह बाढ़ से जो क्षति है उसकी भी आकलन करना है और जो हमारे लोग प्रभावित हैं, जो बाढ़ में हमारे लोग प्रभावित हैं उनको भी हम 1,03,000 परिवार को हमने माननीय आपदा मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष से 72 करोड़ रुपया दे दिया है। अब ऐसे लोग जो छूट गए हैं किसी कारणवश तो उनको भी हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी चिन्हित कर रहे हैं और उनको भी सरकारी आपदा से उनको सहायता राशि हम लोग देंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ एक साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuleddbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के गोविंदपुर सिंघाड़ा स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां दुर्गा के पट आम श्रद्धालुओं के लिए पंचमी को खोल दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दो बकरों की बलि एवं 56 प्रकार के भोग के साथ मां दुर्गा के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। वहीं मां का पट खुलते ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी, जबकि पूजा पंडालों में भजन कीर्तन, प्रवचन एवं विभिन्न मंत्रोच्चार की ध्वनि से आसपास का क्षेत्र भक्तिमय बना हुआ है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर बाईपास थाना क्षेत्र के गणेशपुर तीन पुलिया के समीप से 24 बोतल विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। जानकारी के मुताबिक बाईपास थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गणेशपुर तीन पुलिया गांव के महेंद्र भवन के सामने मैदान की छाड़ी में छिपाकर बैग में विदेशी शराब रखा हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त किया। जब्त शराब में झारखंड का टैग लगा हुआ है।